और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शनिवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 12:42 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। इन दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है, और प्रदोष में भी प्रदोष काल का महत्व बड़ा महत्व है। प्रदोष काल उस समय को कहा जाता है जब दिन छिप जाता है, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद वाले समय, और जिसको आप रात्रि का पहला पहर कह सकते हैं, पहला प्रहर ही है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल के समय भगवान शंकर की पूजा का विधान है। भविष्य पुराण के अनुसार त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उसे जीवन में सुख ही सुख मिलता है। लिहाजा आज के दिन शिव प्रतिमा के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। इसके अलावा आज शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि है, और जब शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो वो प्रदोष शनि प्रदोष कहलाता है। अतः आज के दिन भगवान शंकर की पूजा के साथ ही शनिदेव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है वो खोए हुए धन की प्राप्ति करता है, उसे अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है, नौकरी में उन्नति होती है, मुकदमे में जीत होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो ये थी चर्चा आज के दिन शनि प्रदोष व्रत की, और बात कर लेते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 11:07 तक ध्रुव योग रहेगा। इस योग के दौरान किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है। साथ ही आज रात 9:23 से शुरू होकर कल की सूर्योदय तक स्थिर योग रहेगा। स्थिर योग के दौरान किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा आज रात 9:23 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में मृगशिरा पांचवा नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। तो ये थी चर्चा आज के दिन पढ़ने वाले ध्रुव योग, स्त्री योग और मृगशिरा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। यहां एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार सभी राशि वाले लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। आज के दिन आप पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जो लोग अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें आज एक पत्थर लेकर उस पर काला रंग लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। फिर उसे उस पर सरसों का तेल अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करके शनिदेव के 108 नामों का स्मरण करें। आज के दिन यह खास उपाय करने से संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता दूर हो जाएगी। अगर आप आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन नीला पुष्प लेकर पीपल के पेड़ के पास रखकर घर वापस आ जाएं और घर आकर शनिदेव के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। आज के दिन कोर्ट केस को लेकर अगर परेशान है तो पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल की खुशबू लगाकर शिव मंदिर में चढ़ा दीजिए। जो लोग अपने किसी कोर्ट केस को लेकर परेशान हैं वो आज के दिन शिव मंदिर में चमेली के तेल की खुशबू वाला पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद शनिदेव के इस मंत्र का भी 11 बार जप करें। शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः, शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से कोर्ट केस को लेकर आपकी परेशानी का हल जल्द ही निकलेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में अच्छा देखो बाद में स्पर्श कराया शिवलिंग से और फिर उस चमेली के उस पीपल का पत्ता जो इसको छोड़िए नहीं कि आप वहां शिवलिंग पर चढ़ा छोड़ दिए ना, ले जाके नदी या जलाशय में विसर्जित करिए। अब अगला उपाय दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए। तो अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन काली गाय के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर उस गाय को बूंदी का लड्डू यथासंभव खिलाइए और फिर उसके दाहिने सिंग को स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बरकरार रहेगी। अगर संभल के देखिएगा तो सिंग वाले जानवर हैं। अगर आप अपने सारे कष्ट को दूर करके खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव के तंत्रोक्त मंत्र का 21 बार जप करें।
ओम प्रांग प्रींग प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रींग प्रौं सह शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और आपका जीवन खुशहाल होगा। अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो आज के दिन एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर शनि का दान लेने वाले व्यक्ति को कटोरी सहित दान करते हैं। अगर आप कांसे की कटोरी न ले सकें और इस्तेमाल न कर सकें, न दान कर सकें, तो स्टील की कटोरी में डाल के दे दीजिए। स्टील भी इक्वली गुड है। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की चाह जरूर पूरी होगी। देखो, यहाँ एक बात हम बता दें आपको कि आजकल उत्साह में लोगों ने बहुत से मंदिर बना लिए और उन मंदिरों में चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। देखो, जिन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वो नष्ट हो जाते हैं। आजकल मंदिरों में मूर्तियां लगा दी हैं, सामने से जाइए शनिदेव आपको देख रहे हैं, आप खुद ही सामने पड़ रहे हैं शनि के, ये ठीक नहीं। आप पुराने जो स्थापत्य शैली के मंदिर हैं उनमें शनिदेव को पीठ की तरह, आप मंदिर में घुसिए तो शनिदेव की पीठ दिखाई देती, चेहरा नहीं दिखाई देता था। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ शनिदेव की आँखें बंद हैं, उस मूर्ति को वही ग्राह्य है ना, तो उस वहीं दर्शन करने जाइए। वरना ये जो है कि भाई चलो शनि मंदिर में चढ़ाए वहां जाके तेल, समझ के जाइए। तो अगर आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, देखिए शनि और प्रदोष का जो संयोग है बड़ा जबरदस्त है। इस दिन अगर आप सटीक उपाय करते हैं तो आपको मतलब निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। तो अगर आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कौए को रोटी खिलाना चाहिए। देखो, माता धूमावती का वाहन है कौआ और माता धूमावती 10 महाविद्याओं में एक है, तो आज के दिन कौए को, और इनका भी वाहन है, शनिदेव का भी वाहन है ना, तो इसलिए कौए को रोटी खिलाइए और शनिदेव के मंत्र का जप करिए। मंत्र है शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ का भय बना रहता है जिसके चलते आप तनाव महसूस करते हैं, हमेशा टेंशन बना रहता है, आपको हाइपर टेंशन हो चुका है, आप बहुत हर वक्त टेंशन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो आज के दिन 1.25 किलो काली उड़द और 2 लड्डू, 1.25 किलो काली उड़द और 2 लड्डू, लड्डू किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, बूंदी को, जो भी आपको अवेलेबल हो, वो किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी भी तरह का भय नहीं रहेगा। फियर नाम की चीज से, देखो भय बहुत तरह का होता है, फियर ऑफ अनसीन एंड अननोन, फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन कि लोग क्या सोचेंगे, अब वो लोग क्या सोचेंगे वो लेकर लोग लो बड़ा परेशान रहते हैं, भले अनसीन एंड अननोन रात में सो रहे हैं, कहीं शब्द गिर पड़े, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, व्यर्थ की चिंताएं, कहीं इसमें यह ना हो जाए, मेरी जॉब रहेगी कि नहीं, सबको चिंता होती थोड़ी थोड़ी, लेकिन कुछ लोग अति की चिंता करते हैं। देखो, जब हम ये बात कहते हैं तो हमारा ये कभी मतलब नहीं होता कि आप चिंता मत करो। पागलों को चिंता नहीं होती, जिसके बुद्धि है, जो सोचता है उसको चिंता अवश्य होगी, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, और वही चिंता जो है वो भय में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, फिर आप डिप्रेशन चले जाते हैं। इस स्टेज से बचने के लिए जब भी आपको कोई चिंता हो तो आप एक्सेप्ट करो, हाँ ये पॉसिबल है कि आप सोने लेटे हो, आपके मन में आएगा छत कहीं गिर न जाए, अभी गिर जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, आप कहेंगे जय बोले बाबा छत में गिरे, या आपको लगे कि लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई आपका जो मन हो आप कीजिए, कोई गलत काम मत कीजिए, लोगों को जो सोचना है सोचने दीजिए, अच्छे काम करिए, आगे चलते हैं। तो अगर आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा जिसके चलते आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो आज के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, साथ ही अपने चाचा या ताऊ को काले रंग की शर्ट गिफ्ट करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आपका मन लगने लगेगा और आपके बिजनेस की स्थिति में भी सुधार आएगा। अगर आप ऑफिस में अपने सहयोगियों का साथ बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन शनि के मंदिर में सरसों का तेल दान करें और शनिदेव के मंत्र का, हमने बताया मंदिर प्रॉपर होना चाहिए, शनिदेव के मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। मंत्र है शं ओम शं नमः। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में आपके सहयोगियों का, आपको सहयोग, आपको साथ लगातार बना रहेगा। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिवलिंग पर 11 फूलों और 11 बेलपत्रों से बनी माला जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में नयापन आ जाएगा।
अगर आप भविष्य में अपने करियर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको शिवलिंग पर काले तिल मिले हुए जल का अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप भविष्य में अपने करियर को लेकर जल्दी कोई लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज शनि प्रदोष के बारे में। आज के दिन शनि प्रदोष के दिन विभिन्न राशि वाले लोग शनिदेव के कौन कौन से उपाय करें और भगवान शंकर की कृपा कैसे प्राप्त करें, इससे आपके जीवन को खुशियों से आप भर सके, आज हमने इस सबकी चर्चा की है। यहाँ एक बार याद दिला दूं कि आपकी ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी राशि के लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं।